हाय, मैं योगेंद्र और ड्रामा सीरीज के तीसरे वीडियो के साथ एक बार मैं फिर से आपके बीच में। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग बात करेंगे आर्टिस्टिक ड्रामा की बिगनिंग से मार्लो तक, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ कमेंट्स की बात करते हैं। जैसे हमने शुरू किया है कि बिगनिंग में हम आपके कुछ कमेंट्स, आपके सवालों और आपके सजेशंस का जवाब देते हैं। तो यहाँ विष्णुपंत जी एक सजेशन दे रहे हैं कि हर वीडियो के एंड पे 5 से 10 क्वेश्चन अगर दिया करें तो अच्छा होगा। विष्णुपंत जी, हम इसको ट्राई करेंगे कि वीडियो के एंड में उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएं तो आप लोगों के लिए बेटर होगा। या फिर कुछ हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक साथ क्वेश्चंस पर एक अलग से वीडियो कर रहे हैं, तो वहाँ आपकी प्रैक्टिस सेशन हो जाएगी। दूसरा, हरिकृष्ण राजवंशी जी कह रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल से हैं और ये लिखते हैं कि ये वीडियोस उनके लिए प्रॉफिटेबल हैं, और दूसरी बात जानना चाह रहे हैं कि क्या वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको जो है एक अपना जो है आईडी प्रूफ और एमए की मार्कशीट का फोटो हमें सेंड करना होता है और हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ये दोनों चीज़ें आपकी ऑथेंटिसिटी के लिए हम लेते हैं, और ये हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है पूरी तरह से फ्री है। ठीक है, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको लगता है कि प्रॉफिटेबल है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, तो आप इसे लाइक शेयर, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक शेयर करेंगे जिससे और लोगों तक पहुँचे। ठीक, और एक बात कि अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो सुझाव भी कमेंट में जरूर लिखें, या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को भी लिखें। आइए हम लोग टॉपिक पर बात करते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी रिलीजियस ड्रामा की, लेकिन अब हम रिलीजियस ड्रामा से आगे बढ़ते हैं तो हमारा बिगिन होता है आर्टिस्टिक ड्रामा। और आर्टिस्टिक ड्रामा की बिगिनिंग की बात करें तो हम बिगिनिंग में 3 प्लेज लेते हैं। रस पब्लिका, यहां पर हमने शॉर्ट में लिखा है आरआरडी मींस राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर एंड जीजीएन मींस गैमर गर्टन्स नीडल। ये आपको याद करने के लिए भी इजी हो जाएगा। रस पब्लिका, आरआरडी एंड जीजीएन मींस राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर एंड गैमर गर्टन्स नीडल। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ही 1553 के परफॉर्मेंसेस हैं और तीनों ही कॉमेडीज हैं। मींस कि हमारे आर्टिस्टिक ड्रामा की जो बिगनिंग होती है वो कॉमेडी से होती है, और कब होती है 1553 में। लेकिन क्रिटिक्स रस पब्लिका को रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि ये जो राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर है ये फर्स्ट कॉमेडी है। ये रिपब्लिका भी कॉमेडी है, प्ले है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स की कमी की वजह से क्रिटिक्स इसे रिजेक्ट करते हैं और इसे फर्स्ट एवर कॉमेडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। देन हम लोग बढ़ते हैं गैमर गर्टन्स नीडल पर। गैमर गर्टन्स नीडल जो है ये सेकेंड कॉमेडी मानी जाती है, और इसका जो परफॉर्मेंस है वो 1553 में हुआ है। पब्लिकेशन इसका थोड़ा सा कंट्रोवर्सियल है, 70 या 75 के बीच में माना जाता है। ठीक ना, अब बात करते हैं इनके राइटर्स की। तो राइटर्स की अगर बात करें तो रस पब्लिका जो है वो निकोलस यूडाल की मानी जाती है। मींस कि राइटिंग श्योर नहीं है कि किसकी है, लेकिन क्रिटिक्स मानते हैं कि प्रोबेबली इट हैज बीन रिटन बाई निकोलस यूडाल एंड इट इज बेस्ड ऑन religious and political themes. Means here is the mingling of religious and political theme. तो हम यहां से कह सकते हैं कि रस पब्लिका इज प्रिकर्सर ऑफ आर्टिस्टिक ड्रामा, आर अ लिंक बिटवीन रिलीजियस ड्रामा एंड आर्टिस्टिक ड्रामा। इसके बाद हम जब राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर की तरफ बढ़ते हैं तो ये फर्स्ट कॉमेडी है, और इसका जो राइटर है वो आपको निकोलस यूडाल भी निकोलस यूडाल ने ही लिखी है। और यहां पर जो थीम है वो प्योरली कॉमेडी है। साथ ही साथ यहां एक बात हम समझें कि इनका सोर्स क्या है। इनका सोर्स और इन्फ्लुएंस जो है वो इटालियन प्लेज हैं, रोमन प्लेज हैं। ठीक ना, और राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर का जो मेन सोर्स है वो प्लॉटस का वर्क है, जिसको कहते हैं मिलस ग्लोरीज।
मेलस ग्लोरीज मीन्स MILES GLORIOUS मेलस ग्लोरियस ये प्लाटस का वर्क है जिस पर बेस्ड उन्होंने राल्फ रॉयस्टर लिखा। और इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो कुछ और वर्क्स हमें मिलते हैं, जॉर्ज गैस्को जिनका सपोजर्स मिलता है 1566, और ये जो है इज द अपियरेंस ऑफ प्रोज ड्रामा। मींस अगर हम प्रोज ड्रामा की बात करें तो फर्स्ट प्रोज ड्रामा हमें कहाँ मिलता है, सपोजेस। यहां पर हमने नहीं लिखा है और पूरे बिगिनिंग ड्रामा को हमने चार पेजेस में समराइज करके आप तक पहुंचाने की कोशिश, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा चीज देनी होती है तो कुछ छूटे नहीं, इसलिए हमने चीजों को लिख लिया है। तो सपोजेस है, सपोजेस जॉर्ज गैस्को जिनका है, इसका परफॉर्मेंस टाइम 1566 और ये फर्स्ट प्रोज ड्रामा यानी प्रोज ड्रामा की बिगिनिंग यहीं से होती है, सपोजेस से होती है। इसकी दूसरी बात है कि इसका ये जो है एक विटी इटालियन प्ले, जो कि जिस सीरीज को विलियम शेक्सपियर ने भी फॉलो किया, तो विटी इटालियन प्ले सीरीज का ये पहला है। और इसमें अगर देखें तो इस सीरीज में और भी हैं, शेक्सपियरियन प्लेज भी हैं, उनमें से हम टेमिंग ऑफ द श्रू, टू जेंटलमैन ऑफ वरोना और मच एडू अबाउट नथिंग को कहते हैं। और मच एडू अबाउट नथिंग विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है, इसे इस टाइप ऑफ प्ले का कल्मिनेशन कहा जाता है, मींस की बेस्ट ऑफ दिस सीरीज कहा जाता है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इसी कॉमेडी की सीरीज में हमें डेविन एंड पिथीज मिलता है, 1564 का परफॉर्मेंस है, रिचर्ड एडवर्ड ने लिखा है। और दूसरा हमें मिलता है न्यू इंटरल्यूड्स ऑफ वॉइस कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ हॉरस्टिस, फिर से मैं टाइटल रिपीट करता हूँ, जॉन पिकरिंग का प्ले है, 1567 में परफॉर्मेंस है, न्यू इंटरल्यूड ऑफ वॉइस कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ हॉरस्टिस, क्लियर। अगला हमें मिलता है एपियस एंड वर्जीनिया, 1575 का परफॉर्मेंस, इसके राइटर के लिए दो वर्ड लिखे जाते हैं, सॉरी आर बी, ये टू लेटर्स के रूप में राइटर को रेफर किया जाता है, पूरा नाम इनका क्या है ये मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है। और आगे हम बढ़ते हैं तो हमें मिलता है कैम्बिसिस, CAMBISES, ये 1570 का प्ले है, थॉमस प्रेस्टन का है। और इसके लिए एक खास बात है जो इसकी टाइटल पेज पर लिखा गया था, वो है लेमेंटेबल ट्रेजेडी मिक्स्ड फुल ऑफ प्लीजेंट मर्थ, मींस ये ट्रेजी कॉमेडी है। और कहीं ना कहीं देखें तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज द प्रिकर्सर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी, मींस ट्रेजिक एलिमेंट यहां से आना शुरू हुए। और इसी के बाद हम मूव करते हैं ट्रेजेडीज पर। ट्रेजेडीज में अगर हम बात करें तो फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी गार्बडक को माना जाता है, जिसका सबटाइटल पेरिक्स एंड पोरिक्स है, ये दो भाइयों की कहानी है, पेरिक्स और पोरिक्स उनकी ट्रेजेडी है। और खास बात यहां समझें कि इसका ये जो सबटाइटल है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ यहाँ एक बात हमें और समझनी चाहिए कि विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले किंग लियर का प्लॉट यहां से भी बोरो किया है, मींस किंग लियर के सोर्सेज में से गार्बोडक भी एक सोर्स है। इसका जो परफॉर्मेंस है वो 1566 है। इसके बाद इसकी कुछ एक बातें हम और नोट कर लेते हैं, ये फर्स्ट ट्रेजेडी है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई सैनिकन ट्रेजेडी। सैनिकन ट्रेजेडी ध्यान दीजिए, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो एक अलग से करेंगे कि सैनिकन ट्रेजेडी है क्या, इनमें कौन कौन सी ट्रेजेडीज आती हैं, इसके राइटर कौन कौन से हैं, इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो हमारा मिलेगा जो कि पॉसिबली हम आज ही रिकॉर्ड करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी। आगे देखिए और इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा क्योंकि ये हमारे अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, इट इज अ रेवेंज ट्रेजेडी ऑफ ब्लडशेड, फर्स्ट इंग्लिश प्ले इन ब्लैंक वर्स, मीन्स इसी गार्बुडक से ब्लैंक वर्स राइटिंग की भी बिगनिंग हुई, मीन्स पहला ब्लैंक वर्स प्ले गार्बुडक है। आगे बढ़ें तो 1566 का ही प्ले है जोकास्टा, जॉर्ज गैस्को जिनका है एंड ये कोलेबोरेशन में है फ्रांसिस किनवेल मैरिस, FRANCIS
KINWELMERSH, केनवेल मेरिस, ये जॉर्ज गैस्कोजिन और केनवेल मेरिस इन दोनों ने कोलैबोरेशन में लिखा। जुकास्टा 1566 इसका परफॉर्मेंस है। एक जो विशेष चीज है वो है एलिजाबेथन थिएटर। एलिजाबेथन थिएटर कैसे डेवलप होता है और इसके आगे का जो डेवलपमेंट ड्रामा का डेवलपमेंट है वो एलिजाबेथन थिएटर के एस्टेब्लिशमेंट के बाद शुरू होता है। मींस यहां से इन 1576 जेम्स बर्बेज, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टेब्लिश अ थिएटर इन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का पहला थिएटर जेम्स बर्बेज ने एस्टेब्लिश किया था जिसका नाम सिंपली था द थिएटर, और 1576 में पब्लिश किया गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जेम्स बर्बेज कौन था। जेम्स बर्बेज द अर्ल ऑफ लेंसेस्टर्स मेन का लीडर था। इसने पहली बार लाइसेंस लिया और पब्लिक सेक्टर का पहला थिएटर एस्टेब्लिश किया। एक बात यहां पर और ध्यान दें कि प्राइवेट सेक्टर का पहला थिएटर इंग्लैंड का वो भी 1576 में ही एस्टेब्लिश हुआ था, इरेक्ट हुआ था, जिसको जिसका नाम है द ब्लैक फ्रेयर्स। ये भी 1576 का थिएटर है। देन और इसके बाद कुछ थिएटर्स आए पब्लिक सेक्टर में, उनके भी नाम नोट कर लें, वो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा थिएटर था द कर्टेन 1577, नेक्स्ट द रोज 1588, द स्वान 1595, द ग्लोब 1598। ये कुछ थिएटर्स हैं जो इंपॉर्टेंट थिएटर्स हैं और इनका इंग्लिश ड्रामा के डेवलपमेंट में बहुत योगदान है। अब यहां पर स्थिति ये बनी कि जो थिएटर्स थे, थिएटर्स का डेवलपमेंट हो गया और यहां जो आगे बढ़ने का क्रम है वहां पर आते हैं जिनको हम कहते हैं यूनिवर्सिटी विट्स। ये कुछ यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स थे जिन्होंने प्ले लिखा भी और उसको परफॉर्म भी किया। बाद में इनके लिए एक टर्म यूज किया गया जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सिटी विट। अब क्वेश्चन यहां पर बनता है कि ये टर्म किसने यूज किया था। ये टर्म यूज किया था जॉर्ज सेंट्सबरी ने, ठीक है, और ये सात हैं, सात में से तीन ऑक्सफर्ड से हैं और तीन कैम्ब्रिज से हैं। अब कहेंगे एक कौन है, वो एक किंग्स कॉलेज का स्कॉलर है जिसे कहते हैं थॉमस किड। थॉमस किड, और इसीलिए एक क्वेश्चन भी आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट, और वहां ऑप्शन में तीन ऑप्शन इन छह से थे और चौथा ऑप्शन थॉमस किड था, और थॉमस किड को माना गया वहां पर, यूजीसी का एक्सेप्टेड आंसर है कि ये यूनिवर्सिटी विट्स में नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि इसने कभी यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं की, ये किंग्स कॉलेज का स्कॉलर था, लेकिन ही वाज इक्वल टू ऑल दीज सिक्स यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स, दैट वाई जेम्स सॉरी जॉर्ज सेंट्सबरी इंक्लूडेड थॉमस किड आल्सो इन दीज यूनिवर्सिटी विट्स and the total number becomes 7. अब यहां पर सबसे important है कि ये सात writer कौन थे। सात के नाम हम लिख लेते हैं और इन्हें रट लेना चाहिए। पहला है, हम देखते हैं कि ऑक्सफर्ड से कौन कौन थे। ऑक्सफर्ड से तीन थे, जॉर्ज पीले, सेकेंड थे जॉन लिली, एंड थर्ड थॉमस लॉज। थॉमस लॉज, क्लियर। ये तीन स्कॉलर्स थे जो कि आपके यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के थे, और तीन स्कॉलर्स कैम्ब्रिज से थे, वो थे रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैस एंड मार्लो। सीधे सीधे हम शॉर्ट में लिखते हैं
ग्रीन, यहाँ ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ग्रीन। सेकंड थॉमस नेस। एंड नेक्स्ट वन इज क्रिस्टोफर मार्लो। अब ध्यान देने की बात यह है कि क्रिस्टोफर मार्लो को यूनिवर्सिटी विट्स का फादर फिगर कहा जाता है। जॉन लिली। जॉन लिली इज फेमस फॉर हिज फेमस वर्क यूफूज एंड विथ सब टाइटल एनाटॉमी ऑफ विट। इट्स पब्लिकेशन वॉज 1578 एंड ही इज ऑल्सो एंड दिस वर्क इज ऑल्सो वेल नोन फॉर इट्स स्टाइल दैट इज नोन एज यूफुइस्टिक स्टाइल आर यूफुइज्म। एंड नेक्स्ट वर्क इज यूफूज एंड हिज इंग्लैंड। यूफूज एंड हिज इंग्लैंड। इट्स पब्लिकेशन इज 1580। नेक्स्ट वन इज मिडास। एंड लव्स मेटामार्फोसिस। मेटामार्फोसिस एंड विमेन इन मून। इन मून ये इतने इसके वर्क्स हैं। इनमें आपको मैं बताता चलूँ, यूनिवर्सिटी विट्स में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन सबका पढ़ना है। डिटेल में केवल एक राइटर पढ़ेंगे, वो है क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो में भी डिटेल में सबसे ज्यादा डिटेल करेंगे हम डॉक्टर फास्टस को, और उसके बाद जीव ऑफ माल्टा और टेमरलेन दोनों को थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करके हम आगे बढ़ेंगे। ये इतनी बातें जॉन लिली के विषय में। देन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट राइटर हमारा जॉर्ज, सॉरी, रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन के विषय में कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। ही वॉज द फर्स्ट शेक्सपियरियन क्रिटिक हुम ही कॉल्ड एन अपस्टार्ट। को ये कमेंट जॉर्ज ग्रीन, सॉरी रॉबर्ट ग्रीन का बिल्कुल नोट कर ले और रट ले। दैट इज ही कॉल्ड विलियम शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आर फेदर्स। मीन्स इसका कहना ये था कि शेक्सपियर एक अपस्टार्ट क्रो है और इसने हमारे फिदर्स मींस हमारी चीजें चुरा चुरा करके अपने आप को ब्यूटिफाइड किया है। इसका जो फेमस वर्क है वो है ऑरलैंडो फ्यूरियोसो। ऑरलैंडो फ्यूरियोसो ऑरलैंडो फ्यूरियोसो जो वर्क है इसके विषय में पहली बात ये है कि ये ऑरस्टियो के ऑरलैंडो फ्यूरियोसो पर बेस्ड है। ऑरस्टियस जो है एक ग्रीक राइटर था ऑरस्टियो, और उसका एक वर्क है ऑरलैंडो फ्यूरियोसो, उससे इन्फ्लुएंस्ड उस पर बेस्ड ये प्ले है। दूसरी खास बात कि इस प्ले से वर्जीनिया वुल्फ को भी इन्फ्लुएंस मिलता है। वर्जीनिया वुल्फ का भी वर्क इससे इन्फ्लुएंस्ड है। सेकेंड थिंग हम पढ़ते हैं इसका दूसरा वर्क है। दूसरे वर्क की तरफ बढ़ते हैं तो दूसरा वर्क इसका हमें मिलता है अ मेडन्स ड्रीम। अ मेडन्स ड्रीम। मेडन्स ड्रीम ये इसने डेडिकेट किया था एलिजाबेथ हार्टन को, जो कि वाइफ थी विलियम हार्टन की। इन्हें डेडिकेट किया था। ये इतनी चीजें, केवल दो वर्क इसके हैं, ऑरलैंडो फ्यूरियोसो एंड अ मेडन्स ड्रीम। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी विट की तरफ, जो कि है जॉर्ज पीले। पीले के विषय में आप केवल दो बातें नोट करें। ही इज द फर्स्ट राइटर ऑफ हिस्ट्री प्लेज, और इसका पहला हिस्ट्री प्ले था एडवर्ड फर्स्ट। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्क है जिसका टाइटल इंपॉर्टेंट है, वो है ओल्ड वाइफ्स टेल, जिसका पब्लिकेशन था 1595। अब ध्यान यहां रखने की ये बात है कि ये 1595 का प्ले है जो कि ड्रामा पर एक सटायर है। ठीक यही टाइटल हमें 20th सेंचुरी में मिलता है, जिसका पब्लिकेशन है 1902।
8, लेकिन ये नॉवेल है और आर्नल्ड बेनेट ने लिखी है। दोनों की स्टोरी डिफरेंट है, दोनों की स्टोरी में कोई संबंध नहीं है, दोनों एक दूसरे का कोई एडाप्टेशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, केवल टाइटल दोनों का सिमिलर है। नेक्स्ट हमें मिलता है थॉमस किड, जो कि किंग्स कॉलेज का स्कॉलर था। उसके विषय में एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट कहा जाता है कि ही ब्लेड सेनेका व्हाइट, ही मींस किड। यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि ये किसके लिए कहा गया है, या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि यहां ही कौन है, तो ये किड के लिए कहा गया है, ही किड है। अगर इसके वर्क की बात करें तो इसका सबसे फेमस वर्क है स्पेनिश ट्रेजेडी, जो कि एक रेवेंज ट्रेजेडी है, हॉरर ट्रेजेडी है और प्योरली सेनेकन ट्रेजेडी पर बेस्ड है। इसका सब टाइटल है हेरोनिमो इज मैड अगेन, ठीक है। हेरोनिमो की स्पेलिंग है HIERONIMO, हेरोनिमो इज मैड अगेन। ये इतना सा वर्ड टीएस इलियट ने अपने वेस्टलैंड के फिफ्थ पार्ट में भी यूज किया है, तो ये क्वेश्चन वहां से भी बन सकता है कि ये टीएस इलियट ने कहां से कोट किया है। दूसरा, टीएस इलियट ने इसे अपने वर्क के किस पार्ट में मेंशन किया है। इतनी सी बात, और आगे देखते हैं इसके वर्क्स में। तो वर्क्स में एक मिलता है पॉम्पी द ग्रेट और दूसरा मिलता है अर हैमलेट, URHAMLET। अर हैमलेट जो है मेन सोर्स माना जाता है विलियम शेक्सपियर के हैमलेट का, इसीलिए वो भी एक रेवेंज ट्रेजेडी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट राइटर हमें मिलता है थॉमस नैश। थॉमस नैश जो फेमस है वो है अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर के लिए। अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर का सबटाइटल इंपॉर्टेंट है, जो है लाइफ ऑफ जैक विल्टन। यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि जैक विल्टन इसका प्रोटैगनिस्ट है, इसका हीरो है, ठीक ना। ये फर्स्ट वर्क है जिसमें पिकारो एलिमेंट्स मिलते हैं, और हम जैक विल्टन को फर्स्ट पिकारो हीरो कह सकते हैं। पिकारो की स्पेलिंग है PICARESQUE, पिकारस भी से पढ़ा जाता है। जैक विल्टन इस वर्क में तीन विशेष लोगों से, हिस्टोरिकल पर्सन से मिलता है, जो कि हैं एरास्मस डेसिडियस एरास्मस, अर्लाफ सरे हेनरी हार्वर्ड और थॉमस मूर। और जिस समय वो मिला था उस समय थॉमस मूर अपना यूटोपिया लिख रहा था और डेसिडियस एरास्मस अपना प्रेज ऑफ फॉली लिख रहा था। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर में जैक विल्टन किन किन ग्रेट राइटर से मिलता है, या फिर वो ग्रेट राइटर कौन सा वर्क लिख रहे थे उस समय, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट है, ही वॉज इम्प्रिजेंट इन न्यूगेट प्रिजन। और न्यूगेट प्रिजन को आप याद रखिएगा, न्यूगेट प्रिजन क्रिमिनल्स के लिए फेमस है, यहाँ क्रिमिनल्स को कैद किया जाता है, और जीन जेनेट भी इसी न्यूगेट प्रिजन में इम्प्रिजेंट थे। और यहीं से एक बात और निकल करके आती है कि क्राइम नॉवल में बहुत सारी नॉवेल्स के लिए ये प्लेस, ये जेल इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और बनता है, हु इज क्वीन ऑफ क्राइम, तो इसे भी याद कर लीजिएगा, अगाथा क्रिस्टी को क्वीन ऑफ क्राइम कहा जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की तरफ, वो है थॉमस लॉज, बर्थ 1558, डेथ 1625। और इसका जो फेमस वर्क है वह सिविल वार, जो कि 9 ईयर वार्स ऑफ आयरलैंड पर बेस्ड है। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो 9 ईयर्स वार है वो आयरलैंड का 9 ईयर वार है, ठीक ना। आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो 2 वार मिलेंगे, तो यहाँ जो वार है वो 9 ईयर वार आयरलैंड का है, जिसका टाइमिंग है 1594 to 1603, और ये क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पर हुआ था। दूसरा एक प्रोज रोमांस है जिसको कहते हैं रोजालैंड्स, जो है विलियम शेक्सपियर के एज यू लाइक इट का सोर्स है, और रोजालैंड का कैरेक्टर यहीं से आया है। नेक्स्ट देखें तो लुकिंग ग्लास ऑफ लंडन एंड इंग्लैंड, और दूसरा है डिफेंस ऑफ पोएट्री म्यूजिक एंड स्टेज प्लेज। मींस स्टीफन गोसोन ने जो एक पैम्फलेट लिखा था स्कूल ऑफ अब्यूज, उसके अगेंस्ट
थॉमस लॉज ने भी लिखा था और फिलिप सिडनी ने भी लिखा था। दोनों के वर्क का टाइटल का थ्री वर्ड्स बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन थॉमस लॉज का जो वर्क है उसका टाइटल लंबा है। पूरा टाइटल आप याद रखेंगे, डिफेंस ऑफ पोएट्री म्यूजिक एंड स्टेज प्लेज। नेक्स्ट वर्क जो हमें मिलता है द लाइफ एंड डेथ ऑफ विलियम लॉन्गबियर्ड, ठीक है, ये एक हिस्टोरिकल रोमांस है और उसका जो पब्लिकेशन टाइम है 1593 है। बढ़ते हैं अपने सबसे आखिरी यूनिवर्सिटी बिट्स और सबसे इंपॉर्टेंट राइटर के विषय में, वह क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो को पढ़ने से पहले एक बात हमें जरूर समझना चाहिए कि क्रिस्टोफर मार्लो की जो बर्थ ईयर है वो 1564 बिल्कुल सिमिलर वही ईयर है जो कि विलियम शेक्सपियर का है। और ये विलियम से मार्लो 1593 में एक क्लास में मरता है, जिस क्लास में उसके दो फ्रेंड्स थे। मींस जो बात निकल करके आती हो, बात ये है कि तीनों बैठ करके एक जगह दारू पिए और उसके पैसे को पे करने को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें तीन थे, मार्लो, एंग्रेन फ्रिंजर और तीसरा जो था वो था विलियम बियर्ड्सले। तो इसमें हुआ क्या कि विलियम बियर्ड्सले को मार्लो ने चाकू मारी और मार्लो को इंग्रेम फ्रिंजर ने चाकू मारी। जो बात मिलती है लिखी हुई वो ये है, लेकिन किसी की बॉडी इसमें से मिली नहीं थी। और यहीं से एक प्रूफ मिलता है शेक्सपियर मार्लो थियरी का। अब शेक्सपियर मार्लो थियरी क्या है ये समझना चाहिए। शेक्सपियर मार्लो थियरी कुछ क्रिटिक्स की थियरी है जो ये कहते हैं कि मार्लो ही शेक्सपियर है, शेक्सपियर ही मार्लो है, और जो कि अपनी आइडेंटिटी बदल करके शेक्सपियर के नाम से आ गया कुछ पनिशमेंट से बचने के लिए। उसका पनिशमेंट किसका था, इसी मर्डर का। उसमें ये कह रहे थे कि मार्लो ने मर्डर किया था और इस मर्डर से बचने के लिए अपने आप को भी डेड बता करके वो शेक्सपियर बन के फिर से रीअपियर हुआ और उसने प्लेज लिखे। दूसरा इसके लिए प्रूफ वो देते हैं इनकी हैंड राइटिंग, इनके हैंड राइटिंग में प्रेशर पॉइंट सिमिलर है। सेकेंड थिंग, इनके जो मिले हुए पोर्ट्रेट्स हैं वो भी काफ़ी सिमिलर हैं। और साथ ही साथ विलियम शेक्सपियर का लास्ट ईयर जिसे कहा जाता है, मींस कि आवान छोड़ने के बाद लंदन में थिएटर में अपीयर होने के बीच के जो ईयर्स हैं विलियम शेक्सपियर के, उसको लास्ट ईयर्स ऑफ शेक्सपियर कहते हैं। और उन ईयर्स का कोई डिस्क्रिप्शन विलियम शेक्सपियर का नहीं मिलता है, इसीलिए माना जाता है कि शेक्सपियर मार्लो एक है। फिर भी ये मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है, हमें केवल इतना इसे जानते रहना चाहिए। दूसरी चीज, हमें आगे बढ़ते हैं तो ये भी एक खास बात है कि मार्लो और किड दोनों रूममेट्स थे। और एक बार मार्लो ने पैम्फलेट लिखा था जिसमें जीसस क्राइस्ट को उसने गे कहा था और इस बात को किड ने डिस्क्लोज किया था, क्योंकि किड ही जानता था। सेकेंड थिंग, आते हैं अब इसकी राइटिंग्स के वर्क्स पर। इसकी राइटिंग में जो कंप्लीट राइटिंग मिलती है वो तीन इंपॉर्टेंट प्लेज हैं, कुछ एक पोएम्स भी हैं, लेकिन उनमें कुछ कोलैबोरेशन या इनकम्प्लीटनेस है। जो तीन मेन प्लेज मिलते हैं उनकी बात हम करेंगे। पहला है टैमरलेन द ग्रेट, पब्लिकेशन ईयर है 1591। एंड सेकेंड है डॉक्टर फास्टस, कंप्लीट टाइटल इसका लिख लीजिए, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फास्टस। एंड नेक्स्ट वन इज ज्यू ऑफ माल्टा। तीन के तीनों प्लेज मैकियावेलियन फीलिंग्स पर, मैकियावेलियन कैरेक्टर्स पर बेस्ड हैं। तीनों ही प्लेज में मैकियावेलियन कैरेक्टर मिलता है, उनके एलिमेंट्स मिलते हैं, लेकिन जो ज्यू ऑफ माल्टा है उसमें मैकियावेली एक कैरेक्टर है जो कि बिल्कुल बिगनिंग में अपीयर होता है और वो कहता है कि आई एम गोइंग टू टेल अ स्टोरी ऑफ अ चीव, ठीक ना। इसलिए ये क्वेश्चन एक बार आया था कि किस प्ले में जो है मैकियावेलियन कैरेक्टर आता है, तो वो है ज्यू ऑफ माल्टा। बाकी एलिमेंट अगर पूछा जाए तो वो तीनों में है, तीनों प्लेज इसके इंपॉर्टेंट है। टैमरलेन जो है थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से है, तैमूर की कहानी है जो कि वर्ल्ड कॉन्करर बनना चाहता था, लास्टली उसकी ट्रेजेडी होती है, अपने बेटे को भी मार देता है। डॉक्टर फास्टस ओवर एम्बिशन एंड ओवर डिजायर ऑफ नॉलेज की ट्रेजेडी है, जिसमें डॉक्टर फास्टस एक स्टूडियस स्कॉलर है जो कि
सारी किताबें पढ़ चुकने के बाद दो जर्मन प्रोफेसर्स के कहने पर ब्लैक मैजिक की तरफ जाता है और अपनी सोल को 24 इयर्स के बाद बेच देता है और ब्लैक मैजिक के लिए, लेकिन लास्ट में रिपेंट करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वो हेल में चला जाता है, मेफिस्टोफेलिस उसको खींच ले जाता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि ठीक यही स्टोरी, ऐसी ही स्टोरी लिखी है काउंटेस कैथरीन में, काउंटेस कैथरीन में, जो कि अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ऐसा करती है, लेकिन उसका डाउनफॉल नहीं होता है। क्राइस्ट आकर के उसे बचा लेता है। उसका रीजन ये है कि वो गुड वर्क हमेशा करती है। नेक्स्ट वर्क अगर हम देखें तो वो है जीव ऑफ माल्टा। जीव ऑफ माल्टा में एक जीव की कहानी है, वो है बराबाज, और उसका ट्रेजिक एंड है। इन प्लेस के विषय में डिटेल में हम सेपरेट वीडियोस में बात करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्लेस है और इन पर हम एक एक वीडियो अलग से करेंगे आगे की सीरीज में। तब तक पढ़ते रहिए। और वीडियो कैसा लगा और इसके विषय में आपका कोई सुझाव है, कोई क्वेश्चन है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8090160293 पर, या फिर हमें मेल कर सकते हैं theSureSolutionYogiClasses@gmail.com पर। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।